शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं आनंद पांडे स्वागत करता हूं कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या ज्यादा वाटर इनटेक किडनी के लिए अच्छा माना जाता है या नहीं माना जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी किडनी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का काम करती है और इसके लिए किडनी को लिक्विड की जरूरत पड़ती है और यूरिन के जरिए वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर आप लिक्विड का सेवन कम करेंगे तो आपको कई किडनी की प्रॉब्लम होने का भी खतरा हो सकता है, साथ ही कई दूसरी बीमारियां जैसे कि स्वेलिंग, वॉमिटिंग, फीवर आदि हो सकती है। ये एक गलत फहमी है कि हर किसी को डेली 8 ग्लास पानी का इंटेक करना चाहिए, लेकिन डेली वाटर इंटेक की नीड हर इंसान की अलग अलग होती है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, मेल और फीमेल को लिक्विड का सेवन लगभग 3.7 लीटर और 2.7 लीटर का होना चाहिए। लेकिन अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आपको इसके सेवन को लिमिटेड करने की जरूरत हो सकती है। अगर आप किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको वाटर का इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे आप किडनी की बीमारी से बचे रहेंगे। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज की बीमारी के स्टेज 3 में अक्सर 3 ग्लास वाटर इंटेक की एडवाइस दी जाती है। किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए वाटर का ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट रहेंगे तो आपको कमजोरी और वॉमिटिंग महसूस हो सकती है। ज़्यादा डिहाइड्रेशन आपकी किडनी पर इम्पैक्ट डाल सकती है और किडनी को खराब कर सकती है। आप कुछ तरीकों से ये जान सकते हैं कि आप वाटर का सही इंटेक कर रहे हैं, जिससे आपकी किडनी भी हेल्दी बनी रहेगी। कोशिश करें कि आप 8 ग्लास पानी पिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को 8 ग्लास पानी की जरूरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने ये अनुमान लगाया है कि मेल को डेली 13 कप और फीमेल को 9 कप पानी वाटर इंटेक की जरूरत होती है। दूसरा है, अगर आपकी किडनी फेल हो चुकी है और आपको डायलिसिस करवाने की डॉक्टर एडवाइस कर चुके हैं तो आपको वाटर इंटेक को लिमिटेड करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो पेशेंट डायलिसिस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन्हें ज़्यादा वाटर इंटेक की मनाही होती है। तीसरा है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप खिलाड़ी हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और आपको हाइपोनेट्रेमिया नाम की बीमारी हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करना चाहिए। चौथा है, ज़्यादा वाटर का इंटेक आपको किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बीमारी से बचाता है। इन दोनों बीमारियों से आपकी किडनी खराब हो जाती है। ज़्यादा पानी इंटेक किडनी स्टोन के क्रिस्टल को बनने से रोकता है। ज़्यादा पानी का इंटेक यूरिन ज़्यादा बनाता है और आपको यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन को भी दूर करता है। आखिरी है, कुछ मेडिसिन लेते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा वाटर इंटेक लेना सही है या नहीं, क्योंकि इससे आपको उन मेडिसिन से इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। खास तौर पर अगर आपको वाटर को लिमिटेड करने की एडवाइस दी गई हो तो आपको मेडिसिन खरीदते वक्त उनका लेबल जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको कुछ ड्रिंक्स का सेवन जरूर करना चाहिए, जैसे कि पहला है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करें, क्योंकि ये किडनी के लिए हेल्दी माना जाता है। ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर को आप डेली रूटीन में वाटर के साथ मिलाकर ले सकते हैं। दूसरा है, बीट रूट का जूस का सेवन करें, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इससे आपका बॉडी में यूरिन ज़्यादा बनेगा और किडनी से वेस्ट मटेरियल इजली यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आखिरी है क्रैनबेरी जूस, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को होने से रोकता है। ये जूस काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है।
क्योंकि ये ब्लैडर में होने वाले बैक्टीरिया को कम करता है। और अगर आप किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट को कम करना चाहते हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे आप किडनी स्टोन की बीमारी से भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों यह थी कि क्या ज़्यादा वाटर इनटेक किडनी के लिए अच्छा माना जाता है या नहीं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप या आपका अपना कोई किडनी की किसी बीमारी से जूझ रहा है तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क करने के लिए आप हमारा नंबर, ईमेल व केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।